अमीना आ गए हैं। हम यूनिवर्सिटी और हमारी पहली क्लास है, हम लोग भाग भाग के हैं। मेरा बिल्कुल सांस फूला हुआ है। बहुत दिल से बहुत इंसाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं सुबह लेट हो गई थी, 6 बजे उठी, फ़ोन चार्जिंग लगाया, 12 हो गई थी, मैं यहाँ के लिए 7:05 पर इंसान बनूँ, मुझे रेडी है मेरी दोस्त बात। तो फिर मैं जल्दी से उठी, मैंने नाश्ता किया। नाश्ता मेरा क्या होता है, मैं 2 बॉयल्ड एग लेती हूँ। मैंने सिर्फ वाइट वाला पार्ट नहीं खाना था, येलो वाला पार्ट खाना था। अच्छा मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, आई एम टॉकिंग टू माय फैमिली। अच्छा उसके बाद फिर मेरे साथ चाय पीनी होती है, उसके बाद में उसके साथ ही पीनी होती है। चाय पी के फिर बस मेरा यही नाश्ता होता है लाइट सा। मैंने कपड़े इसलिए किए, फिर मैं जल्दी से तैयार हुई और मैं स्टॉप पर पहुँची और बस टेंशन बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैंने अभी असाइनमेंट बनानी थी और मैंने उसको प्रिंट भी करवाना था। बस फिर मैं जल्दी में और टेंशन के साथ मैं स्टॉप पे पहुंची, वहां से फिर मैं आई और मैंने अपनी दोस्त अमीना को लिया और फिर पता नहीं मैं से पी 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 पाँ पाँ करते हुए रास्ता लेके अपने ब्लॉक तक पहुंची और उसके बाद फिर मैंने अपनी मरियम क्या हाल है, ठीक हूँ, चुप करो तुम। उसके बाद फिर अभी तक मेरी असाइनमेंट प्रिंट नहीं हुई, अभी मैंने जाके असाइनमेंट प्रिंट करवानी है और वो सबमिट करवानी है। हे गाइस व्हाट्स अप, वी आर बैक विद अदर पबजी मोबाइल। अपनी लाइन चेंज कर लो तुम, मेरी मुझे कितनी अच्छी लग रही है, 3 साल हो गए हैं। लुक एट द क्वालिटी ऑफ द टेक्सचर ऑफ द स्वीटर आई एम वेयरिंग राइट नाउ, यू गाइस कांट इवन सी द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक कलर ऑफ माय स्वीटर एंड द ब्लैक कलर ऑफ हर हार्ट। वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। ये अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुनाते रहते हैं मेरे ब्लॉग में। तो अब ये सुना है कि हमारी 2 क्लासेस हो रहा है, ये सेकंड क्लास हमने ले ली है, अब हमारी 2 क्लासेस हो रही हैं और क्या, हाँ उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे खाना खाने क्योंकि भूख लग जाती है उस टाइम तक, आपको पता है शाम को लाइट से। तो बस बड़ी अच्छी कहानी है, आप भी कहेंगे बहुत अच्छी रहती है। ओके तुम लोग को देख लेते ना ये करते हुए, फिर तुम लोगों की बैंड बजा नहीं थी। पहली क्लास हम ले चुके हैं सर यूसुफ की, जो कि हमारी रिसर्च की क्लास थी और हमने भाग दौड़ के क्लास लिया क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। फिर हम लोग असाइनमेंट्स कॉपी करवा के ले गए और मीना तू भी 2 गुतरियाँ करके आई हैं, क्या है क्या है, कितने गई यानी मेरी मामा को बहुत शौक होता है 2 गुतरियों का, 2 गुतरियों का, 2 गुतरियों का। अभी मैं क्लास स्टार्ट कर दिया करती सिस्टम वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि ऐसे हमारी मैम स्लाइड शो करके साथ एक्सप्लेन करती हैं। आयशा तुम क्या कर रही हो, चूचू दे मुझे गिफ्ट करना है। हाँ क्यों नहीं, हाय आयशा तेरे मोहब्बत, लेकिन पान वास्ते नहीं है मारने के लिए। बहुत बदतमीज हो तुम, बंद करो इसको और क्लास लो पढ़ा करो। आप इसको बंद करो क्लास ले पढ़ा करें, क्या काम है, मेरा काम है बंद करे, ये मुझे डांट रही है, बंद करो बंद करो। आज दोनों सेक्शंस की कंबाइन क्लास हो रही है इसलिए बच्चे ज़्यादा लग रहे हैं। मैम फाइजा ने स्पेशलाइजेशन चेंज करने वाले स्टूडेंट से कोई ज़रूरी बात करनी थी तो वो हो गई थी, अभी सेक्शन वाले जा रहे हैं अपनी क्लास में। स्टार्टिंग में हमारी क्लास की स्ट्रेंथ थी 60, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे छोड़ते गए और अब हम लोग रह गए हैं सिर्फ 43। नहीं ये फ्राइज है। कौन सी फ्राइज नहीं, इनको फ्राइज या फ्राज, फ्राइज फ्राइज फ्राइज। ओके फ्राइज है, रॉयल स्नैक पैक। कहाँ से लिया है? और मेरे पास सिर्फ ये बच्ची है। किसने खाई है? पूरी क्लास ने खा दी है, खुद ही दी है, लेके भागे हैं उनके सामने लेके क्यों आई हो, तुम्हें नहीं पता कि बचती नहीं है फिर? मुझे बिल्कुल आईडिया, खाई होगी शायद, आपको पैक खोल लो बस हो गया। ये शाइज की ड्रेसिंग देख लें, दिखा रहा था मैं, ये साइज साहब है, कहीं पे भी खड़ा हो बस कोई भी जो है ना वो खाने वाली चीज़ खोलो फौरन से आ जाएगा। टोपी ऊपर करो क्योंकि तुम्हारा वो हो रहा है, मुझे पता है ना वो इंज नहीं बना रहा साईं जी, उतो दूर खड़ो। अच्छा 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 चलो कैप को ना ऐसे पहन अंदर पड़ी नजर है पीछे पहन, मैं चिट्टा आ रहा हूं पोपट ऐसे लग रहा है, फेडरल लवली थोड़ी पड़ गई थी आज। अच्छा मैं कहूं, अच्छा मुझे दो के नाम बताओ, मैं अपने इधर से लिख लूंगा, कितनी मिलाओ पीछे ये।
यार बाप रे है, उसके बाद में कर लेना वीडियो। अगर ये दिखाओ मुझे कैसे बनाया ये 5 मिनट वो मैं ग्रुप के ये तुमने बनाई नहीं मैडम बनाइए। अब इनको असाइनमेंट के रोले पड़ गए हैं। तुम लड़कियों को ना देखा करो, तुम शादीशुदा हो। नहीं वो डोलू मोलू कह रहा है, तुम लड़कियों को हम असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं। इसने कहा डोलू मोलू वैसे कितना क्यूट ना, अब उसने मुझे बता दिया वो ना यार काइंड लेना यार। यार ऐसा बात है व्लॉग में बना रही हो तो व्लॉग में हमें ले लिया करो कभी कभी। ओके तो ठीक है, ज्यादा नहीं लेना नजर लग जाती है। अच्छा तेनू नहीं लगती तू ब्याह करता ये हमारा सीआर है, प्यारी लगती है। अब सीआर आता रहेगा हमारी वीडियोस में यार, सीआर बस ब्लॉक कर दिया खत्म, मुझे ना व्लॉग में लेके आना यार। अच्छा सही है, तुम्हें ना मैं एडिटिंग से रिमूव कर दूंगी, ऐसे उड़ जाओगे। तुम्हारी कैटो ने मना किया है, तो इनकी कैटोस डॉगीज पता नहीं क्या कुछ है। डॉगीज मेरी मानो है, इसकी कैटो है, इसकी डॉगी डॉगी किसकी है इसकी ठीक है शोभा, और इसकी बिल्किस है इसकी डोरी मी है इसकी क्या है डोरी मी डोरी मी ठीक है यार मुझे ढूंढ के दो मुझे पता। ओ जी यार ठीक है जी यार, जीआर आज छुट्टी पे है पर सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है हमारा सीआर। सबसे अच्छा जीआर ने किया, आराम से बोला जाओ आप कर कर आओ, खुद जो है ना क्लास घर चले गई यार। क्या कर गया वो एप्लीकेशन दे के आओ घर नहीं गई, बाहर हो गई है। मैं घर जाके मैसेज करता हूं ये भी हमारे क्लास वाले उस खड़े हैं, इनमें से एक हमजा है जिसने छोड़ दिया यूनिवर्सिटी। ये तीनों बड़े शर्मीले हैं, अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि मरियम व्लॉग बना रही है, अब ये कुछ प्रिटेंड करेंगे कि ओ हमने तो देखा ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। वर्ल्ड क्लास एम्बुलेंस कौन सी एम्बुलेंस, बच्ची उठाने उधर तुम्हें जाना पड़ेगा, बेहोश हो गया होगा ये एम्बुलेंस है। ये देखो इतना रश है, प्लीज अंकल इस सता को भी ले जाएं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हाय अल्लाह किसको ले जा रहे हैं, गुड बाय। ये अब चौथे बंदे ने भी इनको ज्वाइन कर लिया, चौथा कौन है शफकत है, शफकत शफकत गया अभी, शफकत अपनी शफकत दिखाने गया। ये असाइनमेंट में गलतियाँ निकाल के तो अब खाना खाने चले, पर मैंने अभी तक अपनी असाइनमेंट प्रिंट करवानी है, चले यार प्रिंट करवाने। ये जो आ रहे हैं नमूने, मेरा दिमाग खा के ना अब वापस आ रहे हैं। फाइनली अब हमें अपनी सेहत का ख्याल आ गया और अपने आप पे तरस आ गया, अब हम जाने लगे हैं खाना खाने। क्या खाओगी, मुश्किल तरीन सवाल कि क्या खाना है। जहर इधर से नहीं मिलेगा, वो तो सस्ता ही है, सोखा काम ले आदा नहीं मिलता ना अब तो, मिल जाता है यार। चलो चलो ना इसके रोने कभी हद नहीं। लोगों को क्या क्या के थक चुकी हूँ कि खाना 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 खाना, लेकिन ये लोग नहीं। हम लोग यहाँ से उठे हैं बैंक से और आके लड़के बैठ गए हैं, लोगों ने सोचा था खाना लेके आगे दोबारा इधर ही बैठ जाएंगे। ये क्या बदतमीजी है, पाकिस्तान है बेबी, दिस इज पाकिस्तान। ये देखिए हमारा बैंक छिन गया, अब हमें कहीं और बैठना पड़ेगा, मछली हम नीचे बैठ जाएंगे। On the way to cafe. इस तरह से हम जाएंगे, ये साथ हमारा ब्लॉक है, ये ऊपर हमारी क्लास है। अब तो हर चेंज हो गया, दूसरी साइड पे इतू जाना है, इतनी बिल्कुल सामने यहाँ से कैफे है। हमें बड़ा फ़ायदा है हमारे ब्लॉक के पीछे कैफे है, अब आगे आते हैं खाना लेते हैं और फिर साइड पर जाकर बैठ के खा लेते हैं। कैफे में बैठना हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि सारी आवाम घूरी होती है और इधर सारे ना पूरी करने के लिए बैठे होते हैं। इधर अमीना की ब्लॉगिंग चल रही है, अमीना इज लुकिंग सो प्रीटी। सामने से धूप पड़ रही है, सुबह इतनी सर्दी लगती है और इस टाइम आके गर्मी गर्मी उस गर्मी। मीना इधर बैग टूट जा तू, प्रिंट करवा लिया सामने। अब हम लोग आ गए हैं कैफे और हमसे डिसाइड नहीं हो रहा कि हम क्या खाएं, क्या करें हम, आप हमें कोई सजेशन दे दें। जब तक ये व्लॉग जाएगा ना हम लोग 3 दिन का खाना खा चुके होंगे, अभी देखते हैं हम क्या खाते हैं। मैं और मीना सोच रहे हैं कि हम खाएं रोटी, मैं वैसे रोटी बहुत कम खाती हूँ, मैं पराठे खाती हूँ, पराठे रात में मैं खाती हूँ पराठा, विच इज़ वियर्ड, कोई मसला नहीं, जो दिल कर दो खाओ, जियो पियो, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ लेकिन जियो पियो खाओ सारा कुछ करो, जो दिल करता है तो करो, लोगों की ना सुनो, अभी सेहत का भी ख्याल रखो। चलो ना खाना खा, चलो इसको बंद करो। मेरी फ्रेंड्स हैं
अभी मेन्यू डिसाइड हो रहा है कि लोग क्या खाएंगे। ये बहुत टफ जॉब है, ये खाना क्या है, सीरियस क्वेश्चन है। लंगर बोल दिया, कोई मसला नहीं था, पूरा डिजाइन बोला है। मरियम कितनी देर में शॉट कैप्चर करो, फास्ट कर रही है ना पागल, जल्दी कर लो। और अभी हमारा डिसाइड हो गया मेन्यू, हम लोग ले रहे हैं रोटियां साथ कबाब। जैसा कि आप बस देख सकते हैं कि मेन्यू डिसाइड हो गया फाइनली, हम लोग ले रहे हैं रोटियां और कबाब। फाइनली हमारा डिसाइड हो गया कि हमने क्या खाना है। ये मीना ले रही है, ये बेचारी हमारी दोस्त ने इंतज़ार कर रही है। रबिया तुमने क्या खाना है? मैंने डिसाइड किया कि फ्रूट सैलड, क्योंकि मेरा गला ख़राब है इसलिए मिर्ची जो है। ज़्यादा क्यों नहीं खाती मैं? ये बात नहीं है, कोरिया वालों ने बोला है। नहीं ये बात नहीं, असल में आज को ज़्यादा भूख भी लग रही है स्ट्रेस की वजह से। एक किस चीज़ का स्ट्रेस? सेमेस्टर 7 में आने का स्ट्रेस। ओके फाइजा खाएगी समोसे, अब हम लेंगे समोसे। चलो तुम्हारी मम्मा ने देखा, ये कुछ नया बनाया, पता नहीं इधर क्या है। इधर क्या बनेगा? शायद कॉफ़ी, कॉफ़ी शॉप बनेगी। मैं कॉफ़ी पीने आया करेंगे, हाँ ऊपर लिखा हुआ कॉफ़ी। हेलो गाइस, क्या इतनी इन्होंने महंगाई कर दी है? 40 वाली बोतल हमें मिल रही है साथ। व्हाट इज दिस बिहेवियर? खाना हम लोग ले आए हैं और अब हम लोग धूप में बैठ के खाएंगे। और ये देखें सीन्स, वो देखें भाई ना अपना घर से लंच बॉक्स लेके आया और खा रहा है। ऐसे होना चाहिए हमें, लेकिन हम लोग इतने निकम्मे हैं, यूनिवर्सिटी का गंदा खाना इधर से आके खाते हैं, कोई उसकी क्वालिटी नहीं। और इतना महंगा, मतलब हम लोग पैसे भी ज़ाया करते हैं, क्वालिटी में हमें सी नहीं मिलती। सो बैड, लेकिन हमें अक्ल नहीं आती, हम क्या करें। यार जो भाई लंच बॉक्स वो इस साइड पर है जहाँ से हम लोग आए हैं ना, तो वो बैठा है। वो साडा ब्लॉक ये है जी, साडा ब्लॉक। आपको पूरी यूनिवर्सिटी हम दिखाएंगे अपने ब्लॉग्स में। एक साल रह गया, कोई कोना छड़ना नहीं है।